बॉल टेम्परिंग मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर और सलामी बल्लेबाज बैनक्रॉफ्ट पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सजा सुना दी है। बता दें, इन तीनों खिलाड़ियों को जो सजा सुनाई गई है उस पर पूर्व महान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न ने काफी आलोचना की है। महान स्पिनर शेन वॉर्न का मानना है कि गेंद से छेड़छाड़ के मामले में कप्तान स्टीव स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट को जो सजा मिली है वो काफी कड़ी है। शेन वॉर्न ने द हेराल्ड सन में अपने आर्टिकल में लिखा कि मैं अभी ये तय नहीं कर पा रहा कि मेरी नजर में ये सजा क्या होनी चाहिए थी। ये कड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्हें एक साल के लिए बाहर किया जाता है तो ये सजा अपराध के मुताबिक नहीं है। वॉर्न ने आगे लिखा, मेरी सजा होती कि वे चौथे टेस्ट में नहीं खेलते, भारी भरकम जुर्माना लगता और कप्तान और उप कप्तान के रूप में उन्हें बर्खास्त किया जाता, लेकिन उन्हें खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को बॉल टेम्परिंग विवाद से काफी नुकसान हुआ है। वो ऑस्ट्रेलियाई टीम से एक साल के लिए तो बाहर हो ही गए हैं। इसके साथ साथ उनका करोड़ों रुपए का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी इस साल के लिए रद्द हो गया है। साथ ही आपको बता दें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को एक साल के लिए निलंबित किया है, तो साथ ही सलामी बल्लेबाज बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए बैन किया है, जिससे पूर्व क्रिकेटर खासे नाराज है।